नमस्कार जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। कोडरमा में नाव पलटने से 8 लोग डूबे। पंचखेरो डैम घूमने गए थे, 9 में से एक तैर कर बाहर निकला। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। झारखंड के कोडरमा में पंचखेरो डैम में वोटिंग कर रहे 8 लोग डूब गए। हादसा रविवार सुबह करीब 10 बजे हुआ है। एक युवक तैर कर पानी से बाहर निकल गया है। डूबने वाले गिरिडीह जिले के राजधनवार थाना क्षेत्र के खेतों के रहने वाले हैं। घटना मरकच्चो प्रखंड मुख्यालय की है। डूबने वाले में बच्चे भी शामिल हैं। गोताखोरों की मदद से सभी की तलाश की जा रही है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि कोडरमा में पंचखेरो डैम में नाव पलटने से कुछ लोग के लापता होने की खबर है। जिला प्रशासन लोग की मदद के लिए हर संभव कार्य कर रही है। वहीं डूबने वालों की पहचान सीताराम यादव 40 वर्षीय के 3 बच्चे सैजल कुमारी 16 वर्षीय, हर्षल कुमार 8 वर्षीय और बउआ 5 वर्षीय है, जबकि प्रफुल्ल सिंह के 2 बच्चे राहुल कुमार 16 वर्षीय और अमित 14 वर्षीय है। प्रदीप सिंह अपने 2 बच्चे पलक कुमारी 14 वर्षीय और शिवम सिंह 17 वर्षीय के साथ डूब गए थे, लेकिन उनमें से सिर्फ प्रदीप ही तैरकर बाहर निकल पाए हैं। सभी आसपास के ही रहने वाले। घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन सक्रिय हुआ है और एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। दरअसल कुछ लोग रविवार को अपने बच्चे के साथ पंचखेरो डैम घूमने आए थे। इसी क्रम में सभी एक लकड़ी के नाव पर सवार होकर बोटिंग कर रहे थे। नाव जैसे ही बीच डैम पर पहुंची पलट गई। झारखंड में कोरोना से 2 की मौत। पिछले 24 घंटे में मिले 190 नए मरीज। पिछले 24 घंटे में 8401 सैंपल की कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 190 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। ऐसे राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 1067 हो गई है। वहीं बोकारो और जमशेदपुर में एक एक कोरोना संक्रमित मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। जुलाई महीने में अब तक 5 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। झारखंड में कोरोना की स्थिति यह है कि गढ़वा, पाकुड़, सिमडेगा और साहिबगंज को छोड़कर 20 जिलों में कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में 190 नए संक्रमित मिले हैं, जिसमें सबसे अधिक 84 मरीज रांची में मिले हैं। इसके अलावा जमशेदपुर में 15, बोकारो में 18, देवघर में 15, धनबाद में 1, दुमका में 1, गिरिडीह में 8, गोड्डा में 8, गुमला में 4, हजारीबाग में 5, खूंटी में 2, कोडरमा में 11, लातेहार में 9, लोहरदगा में 3, रामगढ़ में 6 कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य में 164 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे भी हैं। 58,99,000 कार्डधारियों में फिर बांटे जाएंगे 1,28,00,000 धोती साड़ी वालों की। सोना सुब्रम योजना के तहत राज्य के 58,99,000 राशन कार्डधारियों के बीच 1,28,00,000 धोती साड़ी वालोंगी का वितरण किया जाएगा। इसको लेकर सरकार की ओर से 64,00,000 साड़ी, 38,40,000 धोती व 25,60,000 लुंगी के खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। राज्य के 15 जिलों में धोती साड़ी वालोंगी का वितरण भी शुरू हो चुका है। फिलहाल 16% लाभुकों ने दूसरी बार इस योजना का लाभ लिया है। अभी बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गुमला, हजारीबाग, पलामू, रामगढ़ व पश्चिमी सिंहभूम में वितरण का काम शुरू नहीं हो पाया है। सोना सुब्रम योजना के तहत गुलाबी व पीला राशन कार्डधारियों के बीच साल में 2 बार 10-10 रुपए में साड़ी, धोती व लुंगी का वितरण किया जाना है। सरकार की ओर से पिछले साल 23 सितंबर को इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत 1,10,00,000 धोती साड़ी व लुंगी का वितरण किया गया था। सरकार ने साड़ी के लिए 228 रुपये, धोती के लिए 184 रुपये व लुंगी के लिए 204 रुपये की दर निर्धारित किया है। राष्ट्रपति चुनाव विधानसभा परिसर में कल होगा मतदान। झारखंड में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 18 जुलाई को विधानसभा परिसर में होगा। यहां राज्य के सभी विधायक मतदान करेंगे। यूपीए के संयुक्त प्रत्याशी यशवंत सिन्हा राजधानी में थे। उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की और समर्थन में मतदान का आग्रह किया। राजधानी में श्री सिन्हा ने कांग्रेसी विधायकों के साथ भी बैठक की। वहीं द्रौपदी को कई दूसरे दलों ने भी समर्थन देने की घोषणा की है। झामुमो और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एकमात्र विधायक कमलेश कुमार सिंह ने भी द्रौपदी को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। निर्दलीय विधायक अमित यादव भी समर्थन दे रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। किसानों को सुखाड़ का डर, भगवान की शरण में पहुंचे लोग, बारिश के लिए 12 घंटे का अखंड हरि कीर्तन। गिरिडीह जिले में समुचित बारिश नहीं होने से कृषि कार्य प्रभावित हो रहा है। खेतों में लगे धान का बिचड़ा और मकई के फसलें दम तोड़ने की स्थिति में पहुंचने लगी है। इससे किसानों को भी अभी से ही सुखाड़ की चिंता सताने लगी है। मौसम की बेरोखी से परेशान किसानों ने भगवान के शरण में जाकर भगवान इंद्र को मनाने के लिए पूजा पाठ और कीर्तन हवन करना शुरू कर दिया। बगोदर प्रखंड की अटका पूर्वी पंचायत के लक्ष्मी बागी में 12
घंटे का अखंड हरि कीर्तन किया गया, जिसमें लगभग दर्जनों भर गांव के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अखंड कीर्तन में पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी शामिल हुई और भगवान की परिक्रमा करते हुए हरे राम 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 हरे हरे का जाप किया और जल्द बारिश होने की कामना की। तैयारी, 140 नए रूटों पर चलेंगी झारखंड की बसें। झारखंड और पड़ोसी राज्यों के बीच बसों का संचालन बेहतर होने जा रहा है। विशेष रूप से झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की सभी महत्वपूर्ण रूटों पर बसें उपलब्ध होने जा रही है। वर्तमान के अलावा करीब 140 नए रूटों पर बसों के संचालन की तैयारी है। पिछले दिनों उड़ीसा और झारखंड के परिवहन अधिकारियों के बीच वार्ता के दौरान दोनों राज्यों के बीच 124 नए रूटों पर बस संचालन को लेकर सहमति बन गई है। जल्द ही बिहार के साथ भी बैठक कर परमिट के विषय पर सहमति बनाने की तैयारी की जा रही है। प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी का खर्च उठाएगी सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के नौजवानों को बड़ी सौगात की घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि राज्य के युवाओं के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का खर्च सरकार उठाएगी। सरकार जल्द जेपीएससी, यूपीएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ आदि सभी तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का खर्च उठाने के लिए कानून लाने जा रही है। मुख्यमंत्री कल शनिवार को मोराबादी मैदान में निजी क्षेत्र के अंतर्गत नियोजन सह नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बोल रहे थे। बोल बम के नारों से गुंजायमान बाबा नगरी पट खुलते ही जलार्पण के लिए लगी कतार। राज्य के श्रावणी मेले के चौथे दिन प्रातः 4 बजे मंदिर का पट खुलते ही जलार्पण शुरू हो गया तथा कांवरियों की कतार तड़ाके सुबह नेहरू पार्क तक पहुंच गई थी। इन शिव भक्तों के रूट से रूट लाइन गुंजायमान और सभी जो है कांवरिया कतारबद्ध हो बाबा का जय घोष करते हुए निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। वही सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से इसकी निगरानी लगातार उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजुनाथ भजंत्री द्वारा की जा रही है। इसके अलावा जलार्पण हेतु कतारबद्ध कांवरियों को शिवराम झा चौक, नेहरू पार्क में मानसिंघी फुट ओवर ब्रिज होते हुए बाबा मंदिर के गर्भगृह में लगे अर्घा के माध्यम से जलार्पण कराया जा रहा है। साथ ही रूट लाइन के हर पॉइंट पर श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। कांग्रेस की गौरव यात्रा 9 अगस्त से आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कांग्रेस झारखंड में 9 से 14 अगस्त तक 75 किलोमीटर पद गौरव यात्रा करेगी। पद यात्रा कार्यक्रम का जिलावार रूट का निर्धारण और रूपरेखा तैयार करने के लिए 20 जुलाई तक जिलावार बैठक भी आयोजित होंगे। स्वतंत्रता दिवस पर राजधानी रांची में भव्य समारोह का आयोजन होगा। इसकी तैयारी करने का झारखंड कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने निर्देश दिया है। वे कांग्रेस के सांसद, विधायकों, समन्वय समिति के सदस्यों, जिला संयोजक, अग्रणी मोर्चा संगठन के अध्यक्ष व प्रदेश प्रवक्ताओं को संबोधित कर रहे थे। मनरेगा कर्मियों की मानदेय बढ़ोतरी पर नहीं हुआ निर्णय। राज्य के मनरेगा कर्मियों का मानदेय बढ़ाने पर अब तक निर्णय नहीं हो सका है। रोजगार सेवक से लेकर प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारियों का मानदेय बढ़ाना है, किस स्तर के कर्मियों का कितना मानदेय बढ़ाना है यह भी लगभग तय हो गया है, लेकिन मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद की बैठक में नहीं लाया जा सका है। हालांकि ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पहले ही विभाग को यह निर्देश दिया है कि कर्मियों का मानदेय बढ़ाया जाए, मानदेय बढ़ाकर इस पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति ली जाए। मानदेय नहीं बढ़ाने के मामले को झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ ने गंभीरता से लिया है। संघ ने कहा है कि मनरेगा कर्मियों के हित में कुछ नहीं किया जा रहा है, इससे ग्रामीणों में आक्रोश है। इस मुद्दे को लेकर सारे जिलों के जिला अध्यक्ष व प्रदेश कमेटी के सदस्यों ने वर्चुअल मीटिंग की। बैठक में मानदेय बढ़ोतरी के साथ ही अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है। प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे ने कहा है कि उनकी समस्या को लेकर सरकार के स्तर पर फैसला नहीं किया जा रहा है। लंबे समय से कहा जा रहा है कि मानदेय में बढ़ोतरी होगी, लेकिन अब तक इस मुद्दे पर फैसला नहीं हुआ है। इस बार भी कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव लाने की बात हुई थी, लेकिन नहीं लाया गया। आईसीएसई बोर्ड की 10वीं के नतीजे आज होंगे जारी। आईसीएसई 10वीं के नतीजे आज रविवार शाम 5 बजे आएंगे। आईसीएसई महासचिव गैरी आराथुन ने बताया है कि पहली बार बोर्ड परीक्षा के 2 सेमेस्टर का परिणाम एक साथ जारी होगा। छात्र सीआईएससीई की वेबसाइट cisce.org पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बोर्ड ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। रांची के नारकोपी में भटक कर पहुंचा हिरन, आवारा कुत्तों ने बनाया शिकार। रांची के नारकोपी थाना क्षेत्र के नारकोपी गांव में जंगल से भटक कर एक हिरन पहुंच गया, जिसे आवारा कुत्तों ने मार डाला। बताया जा रहा है कि बेड़ो वन क्षेत्र से एक हिरन भटक गया और रिहायशी इलाके में पहुंचा तो आवारा कुत्तों ने देख लिया। इसके बाद कुत्तों के झुंड ने हिरन को दौड़ा दौड़ा कर चारों ओर से हमला करके उसे मार दिया। ग्रामीणों ने हिरन को बचाने के लिए पहुंचे और कुत्ते को लाठी डंडे से मारकर भगाया, लेकिन तब तक हिरन की मौत हो चुकी थी। स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी नारकोपी थाना प्रभारी विजय मंडल को दी। इसके बाद घटनास्थल पर
ग्रामीण वन विभाग की टीम पहुंची और हिरण के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। इस बाबत वन क्षेत्र पदाधिकारी संजय कुमार ने बताया कि एक मादा हिरण वन क्षेत्र से निकलकर गांव में पहुंच गई थी, जिसे आवारा कुत्तों ने नोच नोच कर मार डाला। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।